रेडमी नोट 7 प्रो से आप स्लो मोशन वीडियोस सिर्फ 1080p 120 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन वीडियो क्वालिटी मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी है। वीडियो काफ़ी शार्प है और कलर कॉन्ट्रास्ट भी वेल मेंटेन्ड है। रेडमी नोट 8 प्रो से आप 1080p 120 FPS के साथ साथ 720p 240 FPS पे भी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। ये वीडियो मैंने 240 FPS पे ही रिकॉर्ड करी है। वीडियो देखने में काफ़ी कूल लगती है, बट डिटेल्स थोड़ी और बेटर हो सकती थी। इनफैक्ट नोटेड प्रो से आप सुपर स्लो मोशन वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो 720p 960 FPS पे। अगेन वीडियो देखने में तो काफ़ी कूल लगती है, बट डिटेल्स थोड़ी और बेटर होनी चाहिए थी। इवन सुपर स्लो मोशन वीडियोस में कलर कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा और बेटर होना चाहिए था। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? काफ़ी टाइम से आपके कमेंट्स आ रहे थे कि आपको रेडमी नोट 8 प्रो का कैमरा कंपेरिजन देखना है नोट 7 प्रो के साथ। काफ़ी टाइम लग गया इस वीडियो को कंप्लीट करने में। अच्छा, आप में से कुछ कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो मुझे काफ़ी कमेंट करते हैं और मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, जिनकी मेन प्रायोरिटी कैमरा नहीं होती, बट उन्हें बजट प्राइस सेगमेंट में एक ऐसा फ़ोन चाहिए होता है जिसकी बिल्ड और डिज़ाइन एक फ्लैगशिप फ़ोन जैसी हो और फ़ोन ज़्यादा लैग ना होता हो। तो आज मैं आपसे पूछता हूँ, प्लीज़ नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक देना कि आपके अकॉर्डिंग 10 से 11 हज़ार रुपये के प्राइस सेगमेंट में ऐसा कौन सा फ़ोन है जिसकी बिल्ड क्वालिटी एक फ्लैगशिप फ़ोन जैसी हो। बिकॉज इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं बहुत जल्द एक वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ। अगर बात करें इन दोनों फ़ोन्स के कैमरा सेंसर्स की, तो रेडमी नोट 8 प्रो में क्वाड कैमराज का सेटअप दिया गया है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है विद F1.89 अपर्चर। सैमसंग ISOCELL GW1 कैमरा सेंसर दिया गया है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का अल्ट्रा मैक्रो सेंसर है। वेयर एज रेडमी नोट 7 प्रो में रियर साइड पे डुअल कैमरास का सेटअप दिया गया है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है विद F1.79 अपर्चर और यहां पे सोनी IMX 586 कैमरा सेंसर दिया गया है और एक 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। मैंने बहुत सारी पिक्चर्स कैप्चर करी है डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में और कुछ वीडियो सैंपल्स भी दिखाए हैं। प्लीज यार वीडियो को पूरे एंड तक देखना, बिकॉज इस वीडियो में आपको शॉकिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और सिर्फ 50,000 सब्सक्राइबर्स और रह गए हैं 5 लाख कंप्लीट करने में, तो जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मतलब लाइक करो ना करो, कमेंट करो ना करो, बट जल्दी से 5 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो यार, अच्छा लगता है। और अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि दोनों में से किस फोन का कैमरा बेटर होगा। ये वीडियो रिकॉर्ड करो मैं डेलाइट कंडीशंस में 1080p 30 FPS पे, और ऑडियो भी फोन के मेन माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। मैं आपको ऑडियो स्विच करके भी दिखा दूंगा, सो दैट आपको पता चल जाए माइक्रोफोन किस फोन का बेटर है। रेडमी नोट 8 प्रो में 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है और रेडमी नोट 7 प्रो में 13 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है। दोनों ही फोन्स में F2.0 अपर्चर है। दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा में किसी भी तरह की वीडियो स्टेबलाइजेशन तो नहीं दी गई है, स्टिल एक बार मैं आपको भाग के दिखा रहा हूँ। और बैकग्राउंड में दोनों ही फोन्स में पूरी दुनिया हिल गई है, वीडियो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। अब चलते हैं एक बार लो लाइट कंडीशंस में और देखते हैं कि किस फोन की वीडियो क्वालिटी बेटर आती है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो लाइट्स ऑफ। तो अब ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ मैं लो लाइट कंडीशंस में और दोनों ही वीडियोस में नॉइज तो है, बट रेडमी नोट 8 प्रो की वीडियो बेटर एक्सपोज्ड है एज कम्पेयर टू नोट 7 प्रो। स्टिल जो ओवरऑल वीडियो क्वालिटी है वो दोनों ही फोन्स की थोड़ी और बेटर होनी चाहिए थी। इन दोनों ही फोन्स के फ्रंट कैमरा में डेडिकेटेड LED फ्लैश नहीं दी गई है। तो अब मैं आपको कुछ सेल्फीज दिखाता हूँ जो मैंने कैप्चर करी है डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में। ये कुछ सेल्फीज मैंने कैप्चर करी है डेलाइट कंडीशंस में और फर्स्ट सैंपल शॉट में आप देख ही सकते हो दोनों ही पिक्चर्स में स्किन टोन्स काफी नेचुरल देखने को मिली हैं, लेकिन दोनों ही पिक्चर्स में मेरा फोरहेड थोड़ा ओवर एक्सपोज्ड आया है। इवन बैकग्राउंड में भी अगर आप देखो तो दोनों ही फोन्स डायनामिक रेंज काफी एवरेज कैप्चर करते हैं। अब इस सैंपल शॉट में रेडमी नोट 7 प्रो की पिक्चर में मेरा फोरहेड अगेन थोड़ा ओवर एक्सपोज्ड आया है, वेयर एज रेडमी नोट 8 प्रो ने एक्सपोजर ठीक से एडजस्ट करा है, बिकॉज सनलाइट मेरे फोरहेड पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। इवन डिटेल्स भी स्लाइटली बेटर देखने को मिली है। इन दोनों ही फोन्स के फ्रंट कैमरा से आप काफी इंप्रेसिव पोर्ट्रेट सेल्फीज भी कैप्चर कर सकते हो। दोनों ही पिक्चर्स काफी शार्प है, एजेस भी दोनों ही फोन्स प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेते हैं, बैकग्राउंड ब्लर भी काफी नेचुरल है, तो पोर्ट्रेट मोड मुझे काफी सही लगा है। अब लो लाइट कंडीशंस में दोनों ही पिक्चर्स में थोड़ी नॉइज तो है, बट रेडमी नोट 8 प्रो की इमेज आप क्लियरली देख सकते हो बेटर एक्सपोज्ड है, इवन डिटेल्स भी बेटर है। और डिस्प्ले फ्लैश ऑन करने के बाद भी दोनों ही पिक्चर्स में नॉइज तो रिड्यूस हो गई है, बट अगेन रेडमी नोट 8 प्रो की इमेज ज़्यादा शार्प है। अब ये वीडियो रिकॉर्ड करो मैं डेलाइट कंडीशंस में 1080p 30 FPS पे। आप फुल HD वीडियो 60 FPS पे भी रिकॉर्ड कर सकते हो इन दोनों ही फ़ोन से, और ये दोनों ही फ़ोन्स 4K वीडियोस 30 FPS पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट उस टाइम पे EIS वर्क नहीं करती है।
दोनों ही फ़ोन्स एक्सपोजर तो ठीक से एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन आप ध्यान से नोटिस करना डायनामिक रेंज Redmi Note 7 Pro थोड़ी बेटर कैप्चर कर लेता है। एक बार ऑटो फोकस चेक करते हैं, अब तो डेलाइट में तो एज सच कोई फोकस हंटिंग इश्यूज मैंने नोटिस नहीं करे हैं और दोनों ही फोन्स में ऑटो फोकस प्रॉपरली वर्क कर रहा है। स्टेबल वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए इन दोनों ही फोन्स में इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी दी गई है, तो अब मैं आपको एक बार भाग के दिखा रहा हूँ। और जो वीडियो स्टेबलाइजेशन है वो मुझे Redmi Note 7 Pro की एक्चुअली में बेटर लगी है। अब मैं आपको तीन मैक्रो शॉट्स दिखा रहा हूँ और तीनों ही मैंने Redmi Note 8 Pro के 64 मेगापिक्सल और Redmi Note 7 Pro के 48 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर से कैप्चर करी है। इस सैंपल शॉट में Note 7 Pro की इमेज में कलर कॉन्ट्रास्ट काफी नेचुरल देखने को मिला है और Redmi Note 8 Pro में थोड़े से ओवर सैचुरेटेड कलर्स देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल इमेज देखने में काफ़ी आई प्लीजिंग लगती है। स्टिल ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आपको नेचुरल कलर ज़्यादा पसंद है या थोड़े से बूस्टेड कलर्स। जूम करने के बाद सरप्राइजिंगली Redmi Note 7 Pro की इमेज ज़्यादा शार्प आई है। इनफैक्ट नेक्स्ट सैम्पल शॉट में भी आप देख सकते हो Redmi Note 7 Pro की इमेज बेटर एक्सपोज आई है और डिटेल्स भी बेटर हैं। वेल, ये कुछ पिक्चर्स मैंने कैप्चर करी है थोड़े डिस्टेंस से दोनों फोन्स की डायनामिक रेंज चेक करने के लिए, और इस सैंपल शॉट में फोरग्राउंड में डार्क एरियाज में जो हाइलाइट्स हैं वो बेटर मेंटेन्ड है Redmi Note 8 Pro की इमेज में, बट अगर आप बैकग्राउंड में देखोगे तो स्काई में जो क्लाउड्स हैं वो थोड़े बेटर मेंटेन्ड है Redmi Note 7 Pro की इमेज में। वेल, इस सैंपल शॉट में स्काई में जो कलर्स हैं और जो क्लाउड्स हैं वो दोनों ही पिक्चर्स में वेल मेंटेन्ड है, बट फोरग्राउंड काफ़ी ज़्यादा बेटर एक्सपोज्ड आया है Redmi Note 7 Pro की इमेज में। वेल, इन दोनों ही फोन्स का पोर्ट्रेट मोड मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा है। दोनों ही फोन्स एक्सपोजर ठीक से एडजस्ट कर लेते हैं, स्किन टोन्स भी काफ़ी नेचुरल है और मेन सब्जेक्ट पे डिटेल्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं और डिटेल्स इनफ भी हैं। इनफैक्ट दोनों ही फोन्स मोस्ट ऑफ द टाइम एजेस भी प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेते हैं और बैकग्राउंड ब्लर भी काफ़ी नेचुरल है। अब Redmi Note 8 Pro में दो कैमरा सेंसर्स एक्स्ट्रा दिए गए हैं। पहले बात करें अगर 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की, तो यहाँ पे थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है बिकॉज अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स में डायनामिक रेंज कैप्चर करने में Note 8 Pro थोड़ा स्ट्रगल करता है। Redmi Note 8 Pro में 2 मेगापिक्सल का अल्ट्रा मैक्रो सेंसर भी दिया गया है, जिसकी हेल्प से आप सब्जेक्ट के काफ़ी पास जाके मैक्रो शॉट्स कैप्चर तो कर सकते हो, बट अगेन ये 2 मेगापिक्सल का सेंसर है तो इमेज में डिटेल्स इनफ नहीं होती हैं। वेल, अब ये कुछ पिक्चर्स मैंने कैप्चर करी है इंडोर लाइटिंग कंडीशंस में और ये सैम्पल शॉट मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था, जहाँ पे आप गेस कर रहे थे कि ए कौन से फ़ोन से कैप्चर करी है और बी सैम्पल शॉट किस फ़ोन से कैप्चर किया है, और ज़्यादातर कमेंट्स में आपने बताया मुझे कि आपको जो बी सैम्पल शॉट है वो बेटर लगा है और जो राइट वाला सैम्पल शॉट है वो एक्चुअली में Redmi Note 7 Pro से कैप्चर किया है, Note 7 Pro की इमेज बेटर एक्सपोज है। इवन नेक्स्ट सैम्पल शॉट में जूम करने के बाद जो डिटेल्स हैं वो भी Redmi Note 7 Pro की इमेज में बेटर है। अब ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ मैं लो लाइट में और आप क्लियरली देख सकते हो Redmi Note 7 Pro की वीडियो बेटर एक्सपोज्ड है, इवन नॉइस भी कम है Note 7 Pro में। एक बार ऑटो फोकस चेक कर रहा हूँ मैं, तो लो लाइट में ऑटो फोकस तो दोनों ही फोन्स में प्रॉपरली वर्क कर रहा है, बट नोट 7 प्रो की वीडियो ज़्यादा शार्प है और ओवरऑल मुझे बेटर भी लगी है। फाइनली अब ये पिक्चर्स मैंने कैप्चर करी है लो लाइट में और फर्स्ट सैंपल शॉट में Redmi Note 7 Pro की इमेज स्लाइटली बेटर एक्सपोज आई है। इनफैक्ट नॉइस भी कम है Note 7 Pro में एज कम्पेयर टू Note 8 Pro, बट Note 8 Pro में डिटेल्स थोड़ी बेटर हैं। अब इस सैंपल शॉट में दोनों ही फोन्स के कैमरास ने एक्सपोजर ठीक से एडजस्ट करा है, लेकिन जूम करने के बाद अगेन आप नोटिस करोगे Redmi Note 8 Pro की इमेज में नॉइस तो ज़्यादा है बट डिटेल्स स्लाइटली बेटर है एज कम्पेयर टू Note 7 Pro। इवन इस सैंपल शॉट में भी Note 8 Pro की इमेज में नॉइस ज़्यादा है, लेकिन टेक्सचर और पैटर्न्स जो हैं वो बेटर मेंटेन्ड है Note 8 Pro की इमेज में, बट दोनों ही फोन्स में नाइट मोड अनेबल करने के बाद Redmi Note 7 Pro काफ़ी बेटर परफॉर्म करता है।
रेडमी नोटेड प्रो की पिक्चर्स में ओवर वाइटनिंग देखने को मिली है, जिसकी वजह से कलर कॉन्ट्रास्ट नेचुरल नहीं लगता है। इनफैक्ट नाइट मोड अनेबल करते ही नोटेड प्रो की पिक्चर्स में नॉइस और भी ज्यादा देखने को मिली है। तो लो लाइट में अगर किसी एक को पिक करना हो तो स्टिल मुझे रेडमी नोट 7 प्रो का कैमरा थोड़ा बेटर लगा है। रेडमी नोटेड प्रो से चाहे आप ऑटो मोड से पिक्चर कैप्चर करो या नाइट मोड अनेबल करके पिक्चर कैप्चर करो, नॉइस काफी ज्यादा आती है और ये एक सीरियस इशू है जिसको शाओमी को फिक्स करने की जरूरत है। अब फ्लैश ऑन करने के बाद दोनों ही पिक्चर्स में नॉइस रिड्यूस हो गई है, सिर्फ कलर कॉन्ट्रास्ट का थोड़ा सा डिफरेंस है, बट दोनों ही पिक्चर्स में कलर कॉन्ट्रास्ट वेल मेंटेन्ड है, तो मेरे लिए यहाँ पे किसी एक को पिक करना पॉसिबल नहीं है। वेल, इस पूरे कैमरा कंपैरिजन को एनालाइज करने के बाद मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि Redmi Note 8 Pro के कैमरा से एक्सपेक्टेशंस तो काफ़ी ज़्यादा थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में अगर Xiaomi सॉफ्टवेयर अपडेट्स दे के थोड़े थोड़े कुछ इश्यूज हैं कैमरा में, इनको अगर फिक्स कर देगा तो कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी सही होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा कंटेंट ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर भी कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।